अशी की चमत्कारी शक्ति, चूहिया की शादी। गंगा नदी के किनारे तपस्वियों के आश्रम में यज्ञवल्क्य एक प्रतिष्ठित महर्षि निवास करते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें आसमान में एक रोमांचक दृश्य देखने को मिला। एक बाज अपने पंजों में एक छोटी सी चूहे को पकड़कर धरती की ओर उड़ा रहा था। चूहा बाज की ग्रासपट से बचकर महर्षि के हाथों में गंगा जल से भरी हुई थाली में गिर गया। दयालुता से प्रेरित होकर महर्षि ने उस चूहे को पीपल के पत्ते पर रखा और अपने स्नान का कार्य जारी रखा। चूहा, जो अभी भी जीवित था, बहुत अपार्थिव था, इसलिए महर्षि ने अपनी चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से उसे एक कन्या में परिवर्तित किया और उसे अपने आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी से कहा कि उसे अपनी बेटी की तरह पालें। संतानहीन रहने के कारण महर्षि की पत्नी ने उस नई जिम्मेदारी को प्यार से स्वीकार किया। सालों बीत गए और लड़की महर्षि की पत्नी की प्यारी देखभाल में बड़ी हो गई। जब वह विवाह के योग्य उम्र में पहुंची, महर्षि की पत्नी ने उनके विवाह की सोच को महर्षि के सामने रखा। मैं सूर्य को बुलाऊंगा, महर्षि ने घोषणा की। अगर वह सहमति देता है तो मैं उसे इसके साथ विवाह कर दूंगा। हैरान होते हुए महर्षि ने लड़की से उसकी राय पूछी। उसके चकित होने पर वह जवाब दिया, सूर्य अग्नि के समान है, वह मुझे ज्वालामुखी लगते हैं। कृपया मेरे लिए बेहतर दूल्हा ढूंढिए। जब महर्षि ने सूर्य को बुलाया तो सूर्य ने सुझाव दिया, बादल मुझसे बेहतर है, वे मुझे अपनी तेज धूप से बचाते हैं। महर्षि ने फिर बादल को बुलाया, लेकिन लड़की ने उन्हें बहुत ही अंधेरे और उदास धरती कहा। वायु हमसे अधिक ताकतवर है, वह हमें उड़ाकर ले जाते हैं। बादल ने सुझाव दिया। जब वायु को बुलाया गया, लड़की ने उसे बहुत अधिक अस्थिर और चपल पाया। चिंतित होते हुए महर्षि ने अपनी बेटी से पुनः सलाह की। उसने चिड़चिड़ाते हुए उत्तर दिया, पिताजी ये बहुत शरारती है, कोई और बेहतर दूल्हा ढूंढिए। पर्वत हमसे अधिक मजबूत है, वह मेरे तेज हवाओं में भी स्थिर रहता है। वायु ने सुझाव दिया। महर्षि ने तब पर्वत को बुलाया, लेकिन लड़की ने उन्हें बहुत ही कठोर और अपरिमित बताया। चूहा मुझसे अधिक अद्भुत है, वह मुझ में छेद बनाता है और अपने बिल में रहता है। पर्वत ने सुझाव दिया। महर्षि ने फिर उस चूहे को बुलाया और अपनी बेटी से पूछा, पुत्री क्या तुम इस मूषक राज को स्वीकार करती हो? चूहे को देखते ही लड़की को तत्काल मोहितता हुई। प्रेम से व्याकुल होकर उसने कहा, पिताजी मुझे फिर से चूही बना दें और मैं इन मूषक राज को स्वीकार करूंगी। एक इशारे से महर्षि ने उसकी इच्छा को पूरा किया, उसे फिर से चूहे में परिवर्तित किया और उसकी शादी मूषक राज के साथ करवाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी का स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता, चाहे कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो।